वेलकम टू राइडिंग गियर्स। आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ होंडा की SP160 सीसी के सेगमेंट में आपको ये मोटरसाइकिल देखने के लिए मिल जाती है होंडा की तरफ से। आप देख सकते हैं डिज़ाइन आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको इस मोटरसाइकिल में मिलने वाली है। इसके साथ साथ अगर हम डिज़ाइन देखें तो सामने आप देख सकते हैं छोटा सा आपको यहाँ पे वाइज़र देखने के लिए मिल जाता है ब्लैक कलर में। होंडा का लोगो यहाँ पे मिल जाता है आपको। हेडलाइट आपको LED की देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं LED लिखा हुआ है। हेलोजन के इंडिकेटर्स यहाँ पे मिलते हैं आपको। नंबर प्लेट लगने जगह यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो फ्रंट में आपको फेंडर कुछ इस तरीके का मिलता है फाइबर में। टायर की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 80x100 सेक्शन का टायर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि 100 इंचेस के अलॉयज के साथ मिलता है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपका अलॉय रहने वाला है। 80x100 सेक्शन 17 इंचेस का अलॉय व्हील। डिस्क ब्रेक की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको जो है 276mm की डिस्क ब्रेक मिल जाती है, जो कि सिंगल चैनल ABS के साथ आपको यहाँ पे मिल जाती है। देखिए RLP प्लेट लगी हुई है। यहाँ पे ABS का आपको लोगो मिल जाता है, रिफ्लेक्टर, टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो ओवरऑल डिज़ाइन है बाइक का बहुत मिनिमलिस्टिक है। रियर व्हील की अगर बात करें तो यहाँ पे रियर में आप देख सकते हैं 130x70 सेक्शन का आपको टायर मिलता है। यहाँ पे 130x70 17 इंचेस के अलॉयज के साथ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको काफ़ी ब्रॉड टायर मिलता है। काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको ब्रॉड टायर यहाँ पे मिल जाता है। डिस्क ब्रेक आपको रियर में भी मिल जाती है। 220mm की डिस्क ब्रेक यहाँ पे दे रखी है। एंड यहाँ पे आपको निसिन के ब्रेक कैलिपर मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरीके की ब्रेकिंग एंड टायर्स आपके मोटरसाइकिल में रहने वाले हैं। रियर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं LED की आपको यहाँ पे टेल लाइट मिल जाती है, जो कि आपका H लोगो होंडा का लोगो रिजेंबल करती है। हेलोजन के इंडिकेटर, होंडा का लोगो यहाँ पे मिल जाता है, रिफ्लेक्टर, नंबर प्लेट लगाने जगह आपको यहाँ पे मिल जाती है। साथ में आपको यहाँ पे लॉन्ग फेंडर मिल जाता है, जो कि आपकी मड से प्रोटेक्शन करता है। एग्जॉस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लॉन्ग एग्जॉस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक मेटल की प्लेट मिल जाती है इस पर लगी हुई, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है एंड काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन आपके एग्जॉस्ट की होगी। फुट पैग्स आपको कुछ इस तरीके के यहाँ पे मिल जाते हैं। ओवरऑल बाइक का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा जो है सिंपल है। यहाँ पे कम्यूटर सेगमेंट में आप बोल सकते हैं कि आपकी होंडा SP160 आती है, लेकिन पावर आपको इसमें अच्छी खासी देखने के लिए मिल जाती है। 160cc का आपको इंजन मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है बाइक काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। यहीं पे अगर हम रियर में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रैब रेल आपको छोटी सी मिलती है। यहाँ पे सिंगल सीट आपको मिल जाती है। यहाँ पे पीछे से थोड़ी सी उठी हुई है। उसके अलावा यहाँ पे आप टैंक देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके के ग्राफिक्स मिल जाएंगे। 3D में होंडा का लोगो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें SP का लोगो आपको साइड पैनल पर मिल जाएगा एंड रियर पैनल पर आपको 160 की बैजिंग मिल जाती है विद स्टिकर्स, देख सकते हैं आप। तो इस तरीके का जो है कुछ डिज़ाइन आपको यहाँ पे मिल जाता है इसमें। इसके अलावा अगर हम बात करें सिर्फ फ्यूल टैंक की, तो यहाँ पे आपको डुअल टोन में टैंक देखने के लिए मिल जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आपको मैट फिनिश, यहाँ पे आपको पियानो फिनिश में मिलता है। E20 का स्टिकर आप देख सकते हैं यहाँ पे। फ्यूल लिड आपको कुछ इस तरीके की यहाँ पे मिल जाती है। 12 लीटर की कैपेसिटी इस टैंक की रहने वाली है, तो आपको माइलेज भी इस बाइक में काफ़ी अच्छी मिल जाती है। उसके अकॉर्डिंग आपका जो रेंज है काफ़ी अच्छा रहेगा। बार हैंडल आपको यहाँ पे मिलता है, आप देख सकते हैं बार हैंडल आपको मिलेगा ब्लैक कलर का। इसके अलावा यहाँ पे आपको स्विच गियर्स कुछ इस तरीके के यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे दे रखे हैं। आपको इस बाइक में हज़ार्ड सिस्टम भी मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे अगर तो कीज़ आपको कुछ इस तरीके की मिलने वाली हैं। होंडा SP160 की रेड कलर का होंडा का लोगो आपको इस कीज़ पे देखने के लिए मिल जाता है। अब अगर हम बात करें इसके स्पीडो कंसोल की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको इन्वर्स डिस्प्ले में इसका स्पीडो कंसोल देखने के लिए मिल जाता है। फुल्ली डिजिटल आपको दिया गया है। राउंड डायल आपको मिलता है RPM का। गियर पोजीशन इंडिकेटर यहाँ पे मिल जाता है। स्पीडोमीटर आपको डिजिटल देखने के लिए मिलता है। फ्यूल इंडिकेटर आपको डिजिटल में मिलता है। ट्रिप मीटर आपको डिजिटल मिल जाते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें डिजिटल देखने के लिए मिलती है। काफ़ी बेसिक्स आपको यहाँ पे मीटर मिलता है डिजिटल में, जिसमें आपको ऊपर आप देख सकते हैं ABS की लाइटिंग आपको दिख रही होगी। साथ ही के सारे इंडिकेटर्स आपको टॉप पे देखने के लिए मिल जाते हैं इसमें। एंड जो रिक्वायरमेंट होती है राइडिंग के दौरान, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको जाननी होती है, वो आपको सारी की सारी इस मीटर में देखने के लिए मिल जाती है। बाकी अगर एडिशनल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको प्री इंस्टॉल्ड हज़ार्ड सिस्टम मिल जाता है देखने के लिए, जो कि होंडा की तरफ से काफ़ी अच्छी चीज़ इसमें दी गई है। डायमेंशंस की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको जो सीट हाइट है वो आपको 769mm की देखने के लिए मिल जाती है। इसके अलावा जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको 177mm का मिलता है एंड बाइक का ओवरऑल वेट आपका 141kg का रहने वाला है। इंजन काउल आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं। इंजन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 162.71cc का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक वाला इंजन मिलता है, जो कि आपका 13.46 PS की पावर जनरेट करता है एंड 14.58 NM का टॉर्क आपको यहाँ पे मिल जाता है।
5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ही आपको देखने के लिए मिलेगा, तो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे डिसेंट इस बाइक में मिल जाती है। बाकी अगर आप रियर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको साड़ी गार्ड देखने के लिए मिल जाता है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का स्प्रॉकेट यहाँ पे आपको मिलता है, यहाँ पे आपको ओपन चेन मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चेन कवर आपको काफ़ी स्टाइलिश यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक स्टिकरिंग मिल जाती है, एंड इसके अलावा आपको इस बाइक में मोनोशॉक सस्पेंशन मिलते हैं रियर में, जो कि आपकी राइड को और भी ज़्यादा कम्फर्टेबल बना देते हैं। कलर की बात करें तो ये आपका मैट एक्सेस ग्रे मेटेलिक कलर है। इसके अलावा आपको यहाँ पे 6 कलर ऑप्शन और इसमें मिल जाते हैं। प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो 1.23 लाख एक्स शोरूम आपको ये बाइक मिल जाती है गुड़गांव हरियाणा में। बाकी ऑन रोड प्राइस जानने के लिए आप अपने नियरेस्ट होंडा के शोरूम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गुड़गांव के शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं, आप इनको कॉन्टैक्ट करके अपनी बेस्ट डील इनसे ले सकते हैं। बाकी कैसी लगी आपको होंडा की SP160 आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेके आता रहूँ। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।